दोनों एसी की सर अच्छा बारे के प्रिंसिपल मैम यहाँ जो मौजूद है सब महिलाएं और बेसिकली पुलिस कैडेट फोर्स एंड ऑल द कम्युनिटी विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस वुमेंस डे। और मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है तो मैं थोड़ा इंग्लिश में हिंदी बोलूँगी ठीक है। सो थैंक यू यूसुफ जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग प्रेजेंट हियर एंड एड्रेसिंग दिस कम्युनिटी। सो मैं बेसिकली ये बोलूँगी कि अब 111 साल हो गए हैं जब से ये दिन स्टार्ट हुआ है महिला दिन सेलिब्रेट करना है इंटरनेशनल लेवल। तो उसके बाद समाज की मेंटल एटीट्यूड और सोशल लीगल पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं ये आप मतलब कितना महसूस कर रहे हैं सोसाइटी में या फिर भी एक स्टीरियोटाइप एटीट्यूड है जो वुमन की तरफ देखा जाता है इवन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और अदर लेवल्स आल्सो। क्योंकि अब मैं डेली फेस करती हूँ कि हमारे यहाँ मतलब बहुत सारे लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन है लेडीज के लिए लेकिन कितने सारे लेडी कॉर्पोरेटर्स हमारे पास आते हैं। शायद मैं 2 साल से यहाँ हूँ मेरे पास मतलब 45 पीपल है जो कि लेडी कॉर्पोरेटर्स है बस उसमें से 10 भी नहीं करके आए हैं। उनके हस्बैंड हमेशा यहाँ प्रेजेंट रहते हैं हमारे कॉर्पोरेशन में बट वो खुद कभी आते नहीं है। ये तो हमारा मुझे सोचना है कि हमें खुद के पैरों पर अगर खड़ा रहना है तो खुद ही कुछ स्टेप्स लेने हैं और आगे जाना है। बस मतलब मैंने एक प्राइम मिनिस्टर का स्पीच सुना था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि इंडिया में एसपी कल्चर का ग्रोथ हो रहा है। एसपी कल्चर मतलब सरपंच पति कल्चर क्योंकि वुमन विल बी जस्ट रबर स्टैंप और लाइक दैट सरपंच ऑन पेपर एंड हर हस्बैंड विल गाइड एंड मर्द फॉर द कम्युनिटी। तो अगर रियल एम्पावरमेंट चाहिए तो ये ग्राउंड लेवल पे चेंज अगर नहीं दिख रहा होगा तो इट इज़ यूजलेस एम्पावरमेंट दैट आई वुड से। सो एट द नेक्स्ट लेवल एम्पावरमेंट बेसिकली इसमें 2 स्टेजेस रहते हैं एम्पावरमेंट या सबलीकरण में। पहले तो वुमन एज अ वीकर सेक्शन क्यों बोला गया है इंडिया में या अदर कंट्रीज में भी बिकॉज स्विट्जरलैंड या ये सारे जो नॉर्डिक कंट्रीज है नॉर्वे स्वीडन इन कंट्रीज में भी वुमन को वुमन को इतने राइट्स नहीं थे जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया या जो भी हुआ। उसके बाद ये कंट्रीज में मतलब वोटिंग के लिए राइट्स नहीं थे तो स्विट्जरलैंड और ये कंट्रीज में सेपरेट करके एक राइट्स मूवमेंट चला था फेमिनिज्म का मूवमेंट था वो बट उसमें बहुत सारे वुमेन ने पार्टिसिपेशन किया और उनको राइट्स 1960s अराउंड में दिए गए। तो 60s इंडिया में हम बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट थे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनकी वजह से वुमेन गॉट ऑल इक्वल राइट्स एज कम्पेयर टू द मेल काउंटर पार्ट्स। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट। एंड दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस बारे में जैसे कि अब नए नए इमर्जिंग ट्रेंड्स है वुमेन की इश्यूज के बारे में जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे मेल माइग्रेंट्स रूरल एरिया से अर्बन में माइग्रेट कर रहे हैं जॉब के लिए या बाकी चीज़ों के लिए। तो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कौन करता है वुमेन करती है ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स है एग्रीकल्चर में तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है। उससे भी ज़्यादा और एक कंसेप्ट मैंने देखा था फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज हो रहा है क्योंकि जनरली मेल लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज पर द साइंटिफिक रीजन्स वो थोड़ा सा हमारे से कम है लेडीज लोगों से तो ज़्यादा से ज़्यादा विडोज या ओल्ड एज में महिलाएं ही ज़्यादा है उनके अलग टाइप के इशूज है। तो ये सारे इशूज हम 21st सेंचुरी में कैसे टैकल करें इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम या ऑल दिस थिंग्स वी नीड टू टैकल। इसके सिवा मैं और थोड़ा बोलूँगी कि महिलाओं के बारे में बहुत सारे लीगल मैकेनिजम्स है जैसे कि पुलिस फोर्स को ये सबसे ज़्यादा पता है लाइक वी सी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लेकिन इसके बेसिक अवेयरनेस हम सारे लोगों में होना चाहिए। जब भी हम अपने पैरों पर खड़ा रहते हैं और जब भी हम ऑफिस वगैरह जाते हैं ये सारी चीज़ें हमें बेसिक नॉलेज तो इसका होना ही चाहिए। इसके सिवा इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है और मिसयूज़ होने के बावजूद पुलिस डिपार्टमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनका वर्कलोड बढ़ जाता है अननेसेसरी बिकॉज मेनी वुमेन गो फॉर अननेसेसरी कंप्लेनिंग अबाउट दिस थिंग्स और उनका अलग ही रीज़न है
जैसे आपने पढ़ा हुआ था नाना पाटेकर और उनके बारे में भी एक दो केस ऐसा निकाला था, तो ये मैं बोलूँगी कि कोई जो पास्ट हमारा जो ग्रीवेंस है या जो पर्सनल इश्यू उसके लिए हम लोगों के मेंस को हरास करते हैं या ऐसा जो मेंटेलिटी है सोसाइटल मेंटेलिटी या वुमेन का मेंटेलिटी जो ये बहुत गलत है। और जब भी है जब ये इशू हुआ है तभी आपको आवाज़ रेज करना चाहिए। अननेसेसरी पुलिस को भी पेनी और रैप और इविडेंस एंड ऑल दिस थिंग्स दे हैव आल्सो रिलेशन हैंडल। सो वी शुड टैकल ऑल दिस इशू टुगेदर। अपन फ्रॉम द यहां से तो यहां पर सारे पुलिस फोर्स की लेडीज है उनके अलग टाइप के इशूज रहते हैं हम तो देखते हैं, क्योंकि तब भी मैं ट्रैफिक सिग्नल पे मेरी गाड़ी खड़ी रहती है पुलिस लेडी फोर्स देख के मुझे थोड़ा सा खुद को भी ये लगता है कि बाप ये कैसा मैनेज करते हैं उनके घर धूप में पूरे दिन खड़ा रहना है। बाकी सारे इशूज है फैमिली मैनेज करनी है, कई पुलिस लोगों को लेडीज को नाइट पेट्रोलिंग करना पड़ता है ड्यूटीज करने पड़ते हैं देन अगेन दे मैनेज देयर फैमिलीज। सो इट इज वेरी लाइक रिकॉग्निजेबल मोमेंट टुडे दैट वी शुड एक्चुअली रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट बिकॉज मेरा जो जॉब है वो 10 से 6 बजे या मैक्सिमम 10 तक जा सकता है रात को, नाइट में मुझे कुछ काम नहीं होता है, बट दिस पीपल एक्चुअली वर्क एफर्ट विद फुल एफर्ट्स एंड आई रियली कमेंड देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग आवर सोसाइटी। Thank you so much.